ये पिंटा दानको कितना दे रहे ये सरकार? देखिए हमने राहुल गांधी जी घोषणा किए थे कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, केंद्र सरकार ने रंगा लगा दिया कि समर्थन मूल्य से आप एक रुपये भी ज्यादा दोगे तो बोनस कल आएगा और बोनस जहां दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा हम तो 2500 रुपये को वादा किए, 2500 रुपये से एक पैसा कम नहीं होगा। हमारे यहाँ इरीगेशन कम है, जंगल ज्यादा है, उत्पादन थोड़ा कम है, तो 15 क्विंटल हमने लिख किया तो फिर हिसाब लगाए कि 600 रुपया अंतर पड़ता है प्रति क्विंटल। तो हमने क्या किया कि 9000 रुपया 15 × 90 तो 9000 हो गया, तो 9000 रुपया प्रति एकड़ हर साल देंगे ये तय किए। और इस साल जो पिछले साल जो धान बेचे ना अभी दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में, उसको पड़ रहा है 2640 रुपया, 2640 और 2660। और अभी जो धान अब लगा रहे हैं, अभी लगाएंगे, वो पड़ेगा 2800 रुपया। और फिर मैंने कह दिया है कि अब मैं 20 क्विंटल धान खरीदूंगा, क्योंकि अब किसानों का हालत ठीक हो गया, ट्यूबवेल खूब हो रहा है, मतलब हर साल 35,000-50,000 ट्यूबवेल हर साल हो रहे हैं, तो किसानों के समृद्धि बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो उसको 20 क्विंटल कर दिया। राइट, केटी रामाराव गारु చెప్పినటువంటి మాట ఏమనంటే పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళకు మద్దతు ధరనే లేదని చెప్పిండు ఛత్తీస్గఢ్ లో మలుగులో చెప్పినా లేదా మీకు వినిపించినా కదా? పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగిన మీ దాన మద్దతు ధర ఎంత ఇస్తా ఉన్నారంటే 2640 రూపాయలు మా రైతాంగానికి కట్టిస్తున్నామని చెప్పారు। కేసీఆర్ నే జూటా బోలా నై బోలా? అర్థమైందిగా? అర్థమైన ఒకసారి చేయలేపట్టండి। రైట్,